के एक फील्ड में दुकानें सारी दी जाएंगी, सारे दुकानदार वहीं बैठेंगे जहां पर पिछली दुकानें लगती थी, वो सारी जायरीनों के लिए छोड़ दी गई है। रास्ता ये जायरीनों के लिए है, सारी दुकानें एक फील्ड में हैं। हम सब ने उसी फील्ड में अपनी पर्ची कटाई है, जिसमें 15-15, 20-20, 10-10 हज़ार रुपये की हमने दुकान ले रखी है। उसके बाद हमने अपनी दुकानें पक्की कर ली, पक्की करने के बाद माल लगा लिया। तो जो अवैध दुकानदार हैं उन्होंने सारी रोड पे लगा रखी हैं दुकानें, जिससे हमारा जो कस्टमर है अंदर मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि हर साल रोड पे दुकानें लगती हैं, तो कस्टमर रोड पे टहल रहा है, उसको ये मालूम है कि रोड पे मार्केट लगता है। तो रोड वाला दुकानदार, अब ये फल वाले जो बैठे हैं अवैध दुकानदार, वो रोड पे घूम रहे हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए हमारी गुजारिश है कमेटी से कि जो अवैध दुकानदार हैं, या तो वो अंदर पहुँचें, और या इन दुकानदारों को जो है हमारा उधा के उधर रखे हैं। जो सारी कमेटी जो है, अगर ये दुकानदार वहाँ पहुँचेंगे तो जो पब्लिक है हमारी, वो हमारी उधर ही टहलेगी। खरीदारी ना खरीदारी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये दुकानदार जब एक तरफ हो जाएंगे तो पब्लिक भी एक ही तरफ जाएगी। बिल्कुल सही। मैं यूपी रामपुर से जाकिर हुसैन अहमद अंसारी। रोड पर तो दिन में 4-4 बार झाड़ू लगती थी, वहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा धूल धानी सब ऐसी उड़ रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है दुकानदारों के लिए, दूर को हटना पड़ रहा है। फिर हमारा ये नहीं हो के अभी हट जाए, फिर बाद में फिर लग जाए दुकानें। सर कमेटी को कोई कदम उठाना चाहिए, कोई दुकान मार्केट हटाना चाहिए, तब तो हम अंदर बैठेंगे, नहीं तो हम अंदर नहीं बैठेंगे। हर दूसरा तीसरा आदमी उनसे परेशान है, सारा मार्केट बिगड़ रहा है। अरे उसे खोलने के बोला था वो बंद है, उन गेटों को खुलवाया जाए ताकि मेरी सुविधा हो जाए। जहरीले को बंद कर दो, 11-12-13 नंबर गेट जहाँ से गेट पब्लिक, मैंने बोला था हमको कि इस गेट से पब्लिक आएगी, आप इस ग्राउंड में दुकान लगा लगाइएगा, तो वो गेट दोनों बंद हैं। और यही बताया था, इस ग्राउंड के बाहर कोई दुकान नहीं लगेगी, ग्राउंड के बाहर। हाँ।